आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साई न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। लिमटी की लालटेन के 657वें एपिसोड में आज हम लेके आए हैं बुर्रा केव्स। ये केव्स यहाँ विशाखापट्टनम के करीब अराकू वैली में स्थित है। यहाँ आप देख सकते हैं गुफा के अंदर किस तरह का वातावरण है और किस तरह यहाँ पर पहाड़ियाँ, पूरा अंदर पर्वत, ऐसा लगता है जैसे आप पर्वत के अंदर चले गए हों। वास्तव में एक अद्भुत नज़ारा आपको नज़र आता है यहाँ पर विशाखापट्टनम के करीब। ये देखिए पहाड़ों को देखिए आप, अंदर किस तरह से पहाड़ कटे हुए हैं। बुर्रा केव्स इनका नाम दिया गया है। और ये बुर्रा केव्स के बारे में हम पहले आपको विस्तार से बता दें, बुर्रा गुफाएं जिन्हें बुर्रा गुहालू भी कहा जाता है, भारत के पूर्वी तट पर अराकू घाटी की अनंतगिरी पहाड़ियों में ये स्थित है। इसका अनोखा इतिहास है जिसके बारे में बहुत कुछ यहाँ पर विस्मय जैसी चीज़ें आपको दिखती हैं। विशाखापट्टनम के करीब स्थित ये गुफाएं देश की सबसे बड़ी गुफाओं में एक बुर्रा गुफाएं, लाखों साल पुराने स्टेलेक्टाइट्स और स्टेलेगमाइट संरचनाओं का घर माना जाता है। समुद्र तल से लगभग 1400 मीटर की ऊंचाई पर ये आगंतुकों के लिए वास्तव में एक बहुत विस्मय जैसी चीज़ हैं। माना जाता है कि ये गुफाएं 150 मिलियन वर्ष से भी पुरानी हैं। गोस्थनी नदी के में बहने वाली छोटी छोटी धाराओं के द्वारा इसे बनाया गया, इस तरीके की धारणा है। पानी में मौजूद ह्यूमिक एसिड से पहाड़ियों के चूना पत्थर में मौजूद कैल्शियम कार्बोनेट के साथ प्रतिक्रिया करते करते धीरे धीरे ये चट्टाने टूटती गई, इस तरीके की धारणा भी है। और विशाखापट्टनम से लगभग 100 किलोमीटर दूरी पर स्थित बुर्रा गुफाएं भारत की सबसे गहरी गुफाएं हैं और ये लाखों साल पुराने चूना पत्थर से बनी हुई बताई जाती हैं। गुफा की लंबाई 0.35 किलोमीटर है, हालांकि ये 2 किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है। इन चट्टानों को अच्छी तरह से देखने के लिए आपको लगभग 450 सीढ़ियां पार करनी पड़ेगी। ये गुफाएं अनंतगिरी पहाड़ी श्रृंखला की अराकू घाटी में स्थित है और गोस्थानी नदी द्वारा जल यहां से निकलता है। प्रवेश द्वार पर आप देखेंगे तो 100 मीटर लगभग 300 फीट और ऊर्ध्वाकार रूप से अगर देखेंगे तो 75 मीटर लगभग 246 फीट तक आप इसे माप सकते हैं। अराकू घाटी, जिसे अराकू के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर ये गुफाएं स्थित हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में आप देख रहे हैं लिमटी की लालटेन का 657वां एपिसोड। बुर्रा गुफाओं के बारे में, देश की सबसे बड़ी गुफाओं में से एक बुर्रा गुफाएं, लाखों साल पुरानी स्टेलेक्टाइट्स और स्टेलेमाइट संरचनाओं का घर माना जाता है। ये 1400 मीटर की ऊंचाई पर हैं। ये चूना पत्थर के जमाव पर गोस्थनी नदी के प्रवाह के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आए हैं। यहाँ वास्तव में भगवान शिव, उनकी अर्धांगनी माता पार्वती और एक माँ, उसका बच्चा, एक मगरमच्छ, एक मानव मस्तिष्क और एक बाघ की संरचना यहाँ दिखाई देती है। इन गुफाओं की खोज भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के विलियम किंग जॉर्ज ने की थी। इस तरह की किंवदंती है कि बुर्रा गुफाओं की खोज सबसे पहले तब हुई थी जब एक चरवाहा अपनी खोई हुई गायों में से एक गाय को खोज रहा था। गलती से वो इस स्थान पर आ गया। वहाँ उसे अपनी गाय के साथ गुफा के अंदर एक शिवलिंग मिला। उनका मानना था कि भगवान शिव ने उनकी गाय को बचाया है। बाद में ग्रामीणों ने गुफाओं के ठीक बाहर एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया। बुर्रा गुफाएं देश
भर के पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। अगर आप विशाखापट्टनम जा रहे हैं तो विशाखापट्टनम में अराकू वैली घूमना ना भूलिए। अराकू वैली के में ये बुर्रा गुफाएं स्थित हैं। देखिए कितने अंदर का नज़ारा हम आपको यहाँ से ले जाकर बता रहे हैं। अभी हम उसके मुहाने पर खड़े हैं और अभी हम यहाँ से नीचे उतर रहे हैं। बुर्रा गुफाओं में हम प्रवेश अभी फ़िलहाल नहीं कर पाए हैं। बाहर से हम ये नज़ारा दिखा रहे हैं। बाहर से देखिए बुर्रा गुफाओं का ये नज़ारा, पर्यटक यहाँ अंदर दिख रहे हैं, देशी विदेशी सैलानी यहाँ पर आते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में आप लिमटी की लालटेन का 657वां एपिसोड देख रहे हैं। सीढ़ियाँ आप उतरते जाते हैं, 440 के लगभग सीढ़ियाँ यहाँ हैं। और अगर आप बारिश के मौसम में जाते हैं तो यहाँ थोड़ी उमस आपको परेशान कर सकती है। ये देखिए यहाँ पर कितने सुंदर वृक्ष हैं, कितने सुंदर मनभावन नज़ारे आपको यहाँ दिखाई देते हैं। ये एक जो मंदिर हम आपको बता रहे थे, यहाँ बाहर एक मंदिर भी बनाया गया है। बुर्रा गुफाओं के एक बिल्कुल मुहाने पर ये मंदिर स्थित है। यहाँ इसको धीरे धीरे संरक्षित बार बार सरकारों के द्वारा किया जाता रहा है। या ये आप देख सकते हैं 1992 में यहाँ पर कुछ कार्य कराया गया था। ये देखिए भगवान शिव का यहाँ पर मंदिर, शिवलिंग यहाँ स्थापित है और नंदी भगवान भी आपको यहाँ दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ से आपकी अब यात्रा आरंभ होती है ऐतिहासिक बुर्रा गुफाओं की। विशाखापट्टनम के करीब अराकू घाटी में ये स्थित है। कितने नीचे आप देख सकते हैं, ये उसका मुहाना है। यहाँ पर बुर्रा गुफाओं का ये मुहाना आपको नज़र आ रहा होगा। वास्तव में आप जब बुर्रा गुफाओं के अंदर घुसते हैं तो आपको बहुत सी बातों से आप रूबरू होते हैं। कई किंवदंतियाँ हैं जो आदिवासियों में जटापू, पोरजा, कोंड डोरा, नूका डोरा, वाल्मीकि आदि जो गुफाओं के आसपास के गांव में रहते हैं वे सुनाते हैं। लोकप्रिय किंवदंती यह है कि जो हमने आपको बताया कि शीर्ष पर चढ़ रही थी, छेद के माध्यम से लगभग 60 मीटर 200 फीट नीचे गिर गई। गाय को खोजते हुए चरवाहा गुफाओं में गया, उसे अंदर एक शिवलिंग मिला। उसने यही माना कि उसकी गाय की रक्षा भगवान शिव ने की थी, इसलिए वहाँ एक छोटा सा मंदिर गांव वालों ने बनवाया। और जो पत्थर मिला था उसे स्थानीय भाषा में लिंगम कहा जाता है, शिवलिंग को। इस तरीके की बात वहाँ लोगों के द्वारा बताई गई। गीतात्मक किंवदंती भी है कि हिंदू भगवान, सनातन भगवान शिव का प्रतिनिधित्व करने वाला शिवलिंगम, शिवलिंग गुफाओं में गहराई में पाया जाता है। उसके ऊपर एक गाय की संरचना है। ये अनुमान लगाया जाता है कि इस गाय का थन गोस्थनी नदी का स्रोत है जो यहाँ से निकलती है। विजयनगरम विशाखापट्टनम जिलों से होती हुई भीमू निपट्टनम के पास बंगाल की खाड़ी में ये जाती है। अनंतगिरी पहाड़ पर्वत श्रृंखलाओं की अराकू घाटी में स्थित ये आपको हम दिखा रहे हैं अराकू घाटी। अराकू घाटी में जैसे ही आप अब बुर्रा गुफाओं के अंदर जाते हैं, देखिए एक शिवलिंग आपको अंदर यहाँ पर एक दिखाई देता है। जगह जगह आपको यहाँ प्राचीन जो हजारों साल पहले की गुफाएं दिख रही होंगी और हजारों साल पहले यहाँ किस तरह से ये गुफाएं बनी होंगी ये सोचकर भी आप आश्चर्यचकित रह सकते हैं। भारत के पूर्वी तट पर स्थित बुर्रा गुफाएं विशाखापट्टनम जिले के अराकू घाटी के अनंतगिरी पहाड़ियों पर स्थित हैं। आप अगर जाते हैं तो आपको यहाँ आप पहुँचने के लिए आपको अराकू घाटी से थोड़ा सा अंदर आना होगा। बुर्रा गुफाओं का इतिहास संभवतः अराकू घाटी के इतिहास से भी पुराना माना जाता है। माना जाता है कि लाखों साल पहले पानी के प्रभाव के परिणाम स्वरूप इनका निर्माण हुआ था। बुर्रा गुफाओं में ट्रैकिंग का भी यहाँ पर लोग ट्रैकिंग के लिए भी यहाँ पहुँचते हैं। देखिए अंदर कितना सुंदर नज़ारा आपको दिखाई दे रहा है, आपकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। देखिए ऊपर से रोशनी भी आती हुई आपको दिख रही होगी, कृत्रिम तौर पर यहाँ पर रंग बिरंगी रोशनी यहाँ के पर्यटन विभाग के द्वारा यहाँ पर भेज लगाई गई हैं। और विशाखापट्टनम के करीब ये यहाँ पर स्थित
है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के करीब। आपको हम एक बार फिर दिखाते हैं। देखिए, आप जैसे जैसे अंदर घुसते जाते हैं बोर्रा गुफाओं में, वैसे वैसे अंधकार बढ़ता जाता है और रंग बिरंगी रोशनियों से नहाया हुआ यहाँ पर मार्ग आपको दिखाई देता है। ये देखिए, यहाँ टॉर्च लेकर लोग चल रहे हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में लिमटी की लालटेन के 657वें एपिसोड में हम आपको यहाँ लेकर आए हैं। अगर आप कभी आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम शहर जाते हैं तो वहाँ से अराकू वैली घूमना ना भूलिए। विस्टाडोम कोच रेल के जरिए अगर आप जाते हैं तो वहाँ बहुत सारे आपको टनल्स मिलते हैं, गुफाएं मिलती हैं, झरने मिलते हैं। बारिश के मौसम में तो इन झरनों को देखते आप मन प्रफुल्लित आपका हो जाएगा। ये देखिए, यहाँ पर भी हम आपको दिखा रहे हैं कितनी गहरी गुफाएं हैं, अंदर तक आप इसमें जा सकते हैं। पर्यटक यहाँ जाते हैं, लगभग हमने आपको बताया कि 3-4 किलोमीटर से के लगभग आप इसके अंदर पहुंच सकते हैं। लोग यहां पहुंचते हैं, कितना सुंदर दृश्य, और पर्यटक यहां पर आते हैं, सैलानी यहां आकर इस पूरे गुफाओं का आनंद लेते हैं। बोर्रा केव्स इन्हें कहा जाता है और चूने की पत्थर से ऐसा माना जाता है ये चट्टाने बनी। कितना गुप्त अंधेरा आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, और इसके बाद जब आप आखिरी में पहुँचते हैं तो ये देखिए, इस तरह से रंग बिरंगी रोशनी आपका स्वागत करते हुए दिखती है। आंध्र प्रदेश के पर्यटन विभाग के द्वारा इसे सजाया गया है। देखिए, नीचे आपको पैदल चलने के लिए रेलिंग दोनों तरफ लगी हुई है और पैदल चलने के लिए आप मार्ग बना हुआ है। कितने ऊंचाई तक यहाँ अगर आप ऊपर आप देखते हैं तो आपकी आंखें चौंधियाने लगती हैं, आंखें चकराने लगती हैं, कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। ऊपर से लटकी हुई शिलाएं ऐसा आभास कराती हैं कि ये कभी भी गिर सकती हैं, पर ये दशकों से सदियों से इसी तरह लटकी हुई यहाँ पर दिखाई देती है। ये ऊपर देखिए, यहाँ पर हमने आपको दिखाया, अभी रोशनी ऊपर आपको दिखाई दी जो यहाँ से ऊपर की तरफ दिखती है जगह जगह यहाँ पर। इसे छेद वाली गुफा भी कहा जाता है। वास्तव में अगर आप यहाँ जाते हैं तो आपको एक अलग अनुभूति होगी। बोर्रा केव्स आप ज़रूर जाएँ विशाखापट्टनम से अराकू वैली जाते समय। अगर आप जा रहे हैं तो राइट हैंड साइड पर ये बोर्रा केव्स पड़ती हैं, लगभग 20-22 किलोमीटर अराकू घाटी का सड़क से 20-22 किलोमीटर आपको अंदर जाना होगा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के 657वें एपिसोड में फ़िलहाल इतना ही। आज हमने आपको विशाखापट्टनम के करीब अराकू वैली में स्थित बोर्रा केव्स के बारे में बताया। अगर आपको ये खबरें लालटेन पसंद आ रही हों तो आप इन्हें लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। फ़िलहाल इजाज़त लेना चाहेंगे, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।